हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी टाटा टिगोर को हो चुके हैं ऑलमोस्ट 2.5 साल, और अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि 26,000 किलोमीटर्स चल चुकी है ये गाड़ी। तो अब जो है इसके एसी में मुझे आने लग गई है प्रॉब्लम। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं इसकी गाड़ी का एसी ऑन करता हूँ तो ये फुल ब्लोअर पे भी अगर मैं इसको चलाता हूँ, मतलब इसमें जो है बहुत ज़्यादा नॉइज़ मुझे आ रहा है। आप सुन सकते हैं, ये देखिए 7 पे करने के बाद बहुत ज़्यादा इसके अंदर नॉइज़ फील हो रहा है। और अगर मैं इसको ऑटो पे भी करता हूँ, और अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका 25 डिग्री ही रखता हूँ, तब भी इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ फील मुझे हो रहा है। और सही बताऊँ तो इसके अंदर जो इसकी जो एयर का जो थ्रो है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। पीछे वालों को तो मतलब सामने ही हवा इसमें कम आ रही है, पीछे तो आई एम श्योर काफ़ी कम हवा जा रही होगी। तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी जो है मेरे हिसाब से काफ़ी कम हो चुकी है कंपैरेटिवली। जब ये गाड़ी नई थी तब इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी थी वो काफ़ी हद तक ज़्यादा बेटर थी। तो इसका मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ वो ये कि यहाँ पर नीचे की तरफ जो पैसेंजर सीट है यहाँ पर इसका एयर फिल्टर लगा होता है। तो क्या होता है कि जब भी आप गाड़ी की सर्विस करवाते हैं तो सर्विस सेंटर वाले बहुत बारी एयर फिल्टर को क्लीन नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से जो आपकी एयर सर्कुलेट होती है गाड़ी के अंदर, आपका एयर फिल्टर चोक हो जाता है। उसकी वजह से आपके कूलिंग में फ़र्क पड़ता है और इसका जो ब्लोअर की कैपेसिटी है जो थ्रो की वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो आज मैं इसका एयर फिल्टर क्लीन करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाऊँगा कैसे इसको क्लीन करना है और उसके बाद इसका इफ़ेक्ट देखेंगे क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ा या नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसको कैसे क्लीन करना है। यहां पे पैसेंजर साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह का जो कंपार्टमेंट है इसके नीचे आपको यहां पर 4 स्क्रू देखने को मिल जाएंगे। 1, 2, 3 ये पीछे की ओर, और यहां पर एक चौथा स्क्रू है। तो ये 4 स्क्रू आपको जो है ओपन करने हैं, और उसके बाद आपका ये जो पीस है यहां से ये पीस आपको यहाँ से पुल करना है, पूरा का पूरी इसकी असेंबली बाहर आ जाएगी। और इसके अंदर यहाँ पर आपका एयर फिल्टर लगा होगा, उसको हम बाहर खींच लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या वो सच में गंदा है और उसकी वजह से क्या इसके एयर फ्लो में फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं इन चारों स्क्रूज को खोलता हूँ, उसके बाद आपको एयर फिल्टर निकाल कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके अब चारों स्क्रूज खोल लिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं अब आपको इसकी असेंबली निकाल के दिखाता हूँ। तो ये यहाँ से इसको पुल करना है और ये आपका बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक हैंडल सा यहाँ पे दिखाई देगा इसके एयर फिल्टर को पुल करने के लिए। बाप रे, बहुत गंदा है ये, तो इसको पुल कर लीजिए थोड़ा सा। ये एयर फिल्टर बाहर आ गया है और आप देखिए ये कितना ज़्यादा गंदा एयर फिल्टर है। मतलब 2.5 साल में इसको एक बार भी सर्विस सेंटर वालों ने क्लीन नहीं करा है लग रहा है। ये है मेरा गंदा फिल्टर, देखिए इसमें इतना ज़्यादा गंदगी है कि ये पूरा मेरे हाथ में आ रही है इसकी लेयर। तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी इस एयर फिल्टर की। तो इसको क्लीन करके देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है एयर थ्रो के अंदर। सिंपल पानी से ही वॉश कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा इसका वो रहता है। सिंपल इसको टैप वाटर के नीचे रख लीजिए और ये क्लीन हो जाएगा। एयर फिल्टर है ये काफ़ी क्लीन हो चुका है। अब इसको लगाते हैं, और इसको लगाने का तरीका ये है कि इसका जो कर्व साइड है जो हल्का सा आप देख रहे हैं टेढ़ा है, वो आपका राइट हैंड साइड आएगा और स्ट्रेट साइड जो है आपका पीछे की तरफ आएगा। तो इसको ऐसे ही इंसर्ट करना है हमने, और उसके बाद हम इसका एसी चला के देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क पड़ा है। तो चलिए अब इसको लगाते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जो इसका कर्व्ड पोर्शन है ये बाहर की ओर आएगा और इसका स्ट्रेट पोर्शन जो है वो अंदर की तरफ आएगा। तो मैंने फ्लोर मैट्स निकाल दिए हैं क्योंकि इसको डालने में जो है परेशानी हो रही थी।
तो इस तरह से इसको आप आराम आराम से अंदर की ओर डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इसके लॉक को वापस लगा देना है जैसे कि ये पहले लगा हुआ था। ये इजीली आपका यहाँ पर ये लॉक फिट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसके स्क्रूज वापस लगा देने हैं यहीं पर। यह गाड़ी ऑन और अब मैं करता हूँ इसका एसी ऑन। गाइस वाकई में मुझे फ़र्क तो बहुत लग रहा है और इसका एयर फ्लो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो गया है। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ इसका एयर फ्लो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुका है। अब ऑटो पे मैंने अभी भी 25 पे करा हुआ है और इसको फुल पे करता हूँ मैं अब। गाइस बहुत बहुत आवाज़ कम हो गई है, आप फील कर सकते हैं। इसका एयर थ्रो वाकई में बहुत अच्छा हो गया है। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपके गाड़ी में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो टिगोर हो, टियागो हो, या कोई भी आपके पास गाड़ी हो, नेक्सॉन हो या किसी और ब्रांड की ही क्यों ना हो, अगर आपका एयर फ्लो टाइम के साथ इसका रिड्यूस हो गया है तो अननेसेसरी पैसा मत खर्च करिए। जाकर एक बार इसका एयर फिल्टर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है इसकी वजह से आपको फ़ायदा हो जाए। तो गाइज़ ये थी मेरी वीडियो रिगार्डिंग दी एसी ऑफ टाटा टिगोर। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक थम्सअप ज़रूर दे देना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।